का ये कार्यक्रम लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसके तहत पहले चरण में अंतिम साल के छात्रों को मोबाइल और टैबलेट बांटे जाएंगे, जिसमें प्रदेश के हर जिले में से छात्र छात्राएं शामिल होंगे। दोस्तों यूपी अभी आपने देखा जो कि ईकाना स्टेडियम में सभी छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इससे संबंधित जो सूचना दी जा रही है सभी जिलों में, सभी जिलों के जो नोडल अधिकारी हैं उनके लिए बताया गया है, और नोडल अधिकारी ने 200-200 बच्चों को जो प्रत्येक जिला से वहाँ भेजने की तैयारी कर ली है, बस से भेज रहे हैं सभी नोडल अधिकारी। और देखिए यहाँ पर देखिए ये लखनऊ से नोटिस है, इसमें लिखा है BA BSc और BCom सेमेस्टर पंचम एवं प्रार्षिक तथा MA MSc और सेमेस्टर की तृतीय विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार की DG शक्ति योजना के तहत अंतर्गत टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण 25/12/2021 को प्रातः 9 बजे अटल बिहारी वाजपेयी ईकाना स्टेडियम में दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए इन्होंने टाइम भी दिखाया है, तो सभी जिलों का अलग अलग टाइम दिया है, किसी में 9 बजे बुलाया है। और देखिए ये नोटिस, एक और नोटिस है हमारे पास जो कि दूसरी जगह से है, बलिया से है दूसरा नोटिस। नोटिस एक दूसरा ये है जो कि बलिया से आया है, ये टाउन पॉलिटेक्निक से है। इसमें भी बताया है कि अंतिम वर्ष के यानी कि सभी जो छात्र हैं वो अंतिम ईयर वालों को सबसे पहले जो है लैपटॉप या स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ठीक, अगर आपका जैसे आप बार बार कमेंट कर रहे हैं कि क्या हमें मिलेगा लैपटॉप नहीं मिलेगा, तो हम बता दें कि पहले जो अंतिम साल वालों को दिया जाएगा, उसके बाद जो है जो 1 करोड़ लैपटॉप बताए हैं वो सभी को मिलने हैं। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि